राम राम जी सारे ने और मैं नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मम्मी को दूसरा दिन हो गया और हम बना रहे हैं हरी मिर्च की चटनी। अब ये डिपार्टमेंट तो वैसे मम्मी का है लेकिन आज हमने संभाला। और हरी मिर्च को कूटते हुए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, कहीं आँख वाँख में लग जाए तो बड़ी दिक्कत लगती है। रोटियां तो हम सेक चुके हैं, वैसे रात को चूल्हे पे नहीं बनती रोटियां, जैसे कि मैंने फर्स्ट बार सुबह चूल्हे पे बनाई थी और आज मैं हरी मिर्च की चटनी भी फर्स्ट बार ही बना रही हूँ। देखते हैं कैसी बनती है। वैसे सब्जी खा खा के ना बोर हो जाते हैं, सो आज सोचा हरी मिर्च की चटनी थोड़ी हंसी और इस चटनी को हम देसी घी में छोड़ देंगे तो इससे वो भी टेस्टी लगेगी। प्लीज मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस ये बनने वाली ही है। ये देखिए हमारे कालू जी, आज इसका भी टाइम पास नहीं हो रहा है, दादी के दुआ के पीछे घूमता रहता था, आज ये घूम रहा है इधर उधर। कालू बेटा इधर, क्यों गया क्यों गया? अरे अरे दादी आ गए, दादी क्या है? पापा गए, पापा आ जा, देख क्या देख के जा, पापा गए जा, दरवाजे को कौन है देख के जा, देख क्या और ये चटनी लगभग तैयार हो चुकी है हमारी। चली जाती ना बता देती है हरी मिर्च, इसलिए हम थोड़ा हट के बोल रहे हैं। और ये लगभग तैयार हो चुकी है, अभी इसमें हम देसी घी का तड़का लगा देंगे। खुशबू तो अच्छी आ रही है। चलिए लगाते इसमें तड़का हरी मिर्च। अब हम इसमें जल्दी से देसी घी का तड़का लगा देते हैं और फिर देखना कैसे उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और तो देखते हैं खाने के बाद ही बताएंगे हमारे पति देव जी। देसी घी डाल दिया है, अब इसमें हम ये मिर्ची डाल देते हैं।
यहाँ पे हरी मिर्ची का छिट्टा लगाना, जलन कर रहा है काफी। बहुत अच्छी आ रही है, बहुत तीखी में चाहिए तो धसक भी अंदर तक जा रही। और ये हो गई रेडी हमारी मिर्ची भी। अब बस खाने का वेट है। ये देखिए हमारा कालू क्या कर रहा है। ये हमारे कालू चुहिया का वेट कर रहा है, यहाँ से चुहिया जाएगी और ये पकड़ेगा। कालू की करे बेटा, के ढूंढा है? और अभी खाने का टाइम हो चुका है और हम खाना डालने जा रहे हैं। ये हरी मिर्च की चटनी।